सलावत पढ़ लीजिए सारे हज़रात, अपने अपने रिज़्क़ की वसअत के लिए सलावत पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो कायनात का पालनहार है, और दुरूद व सलाम उन हस्तियों पर जिन पर ला शरीक भी दरूद भेजता है, और लानत है उस शजराए हराम इब्न हराम पर जो अली का खाके अली के बारे में सोच रहा है। चंद मिनटों की हाजिरी है, दो चार मिनटों की जनाब की ज़ियारत हो गई अरसे बाद, कोटला चाकर जाके मजलिस अज़ा पढ़नी है, बस आले मोहम्मद की करीमी है आपकी ज़ियारत का शरफ हासिल होना था। दो जुमले मैंने फ़ज़ाइल के पढ़ के मेंबर जनाब ज़ाकरीन के हवाले कर देना है। कहना यही है कि अली बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है, जो बोल सकता है, जो मौला अली से रिज़्क़ की खैरात लेने की नीयत से घर बार छोड़ के यहाँ मुसाफरत का सफ़र करके अज़ा खाने में आ गया है। बात उसी से है, दो जुमले जनाब की नज़र करने हैं। और क़िबला काबा शहीद मिल्लत जाफरिया वकील हक के ज़हरा हज़रत अल्लामा नासिर अब्बास शहीद आला मकामों के दर्जात बुलंद है, मालिक मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। उन्हीं की दुआओं का सदका है, मेरी ज़ाती हैसियत कोई नहीं। क़िबला काबा फरमाया करते थे, अली बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है, तेरे पढ़ने से अली बढ़ता नहीं, तेरे छोड़ने से अली घटता नहीं। फरमाया करते थे, कायनात अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, जिसे अली छोड़ दे उसके पास रहता कुछ नहीं। जिंदगी दराज उस बंदे की जो अली की हिमायत में बोला। लो जी, एक हदीस है जाकिर साहब, जनाबे आली नार मिंबर से लेके हर बंदे की तवज्जो चाहता हूं। यह मजलिस हुसैन इल्म की जगह है, यह मरकज तहारत है। शरीफ बंदा आता है, हलाली बंदा आता है, इल्म वाला बंदा आता है, बल्कि यूं कहूं जिस पर बतूल राजी हो वो बंदा आता है। जिनका हाथ बुलंद है और इसकी खैरात ले रहे। वक्त नहीं है, मैं जनाब सैयदा ही पढ़ता, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको कोई फजाइल मसाइब की मेराज कराऊं। एक जुमला पढ़ा मैं आपको सुनाता हूँ। मरियम वो बतूल है जो अर्श से खाने मंगवाती है। बोले जो बंदा मखसूसी बनाने आया है, जो बीबी के फजाइल सुनने की नीयत से आया है। मरियम वो बतूल है जो अर्श से खाने मंगवाती है, जहरा वो बतूल है जो अर्श पे खाने भिजवाती है। बोले जो बंदा जनाब सैयदा से खैरात लेने आया है, आप सोच रहे होंगे रिफाकत जा रहा होगा, तफसील का वक्त नहीं मेरे पास। जनाब मरियम के लिए अर्श से खाने आते थे, बोलो, और जनाब सैयदा की चौकट से रोटियां फरिश्ते लेकर गए कि नहीं, बोलो। तुम्हारे बच्चों को ये बात याद है, कोई नई बात तो नहीं है। मस्कीन बनकर, यतीम बनकर, असीर बनकर, बोलो, मालिक तजवीर साहब की तौफीकात पे दावा फरमाए। जहां तक मेरी आवाज जाए सुनना, पता चला मरियम वो बतूल है जो अर्श वालों के टुकड़ों पे पलती है, फातिमा वो बतूल है जो अर्श वालों को अपने टुकड़ों पे पलती है। बोलो यार जो बोल सकता है, जो हिमायत में बोलने आया। और आखिरी बात, और मेंबर छोड़ के जा रहा हूं, मैं आपसे राजी, जनाब सैयदा आपसे राजी हूं। भाईजान बड़ी खूबसूरत बात आपके हवाले करके जा रहा, बड़ी तवज्जो साहिब आले तशरीफ फरमाए। मालिक ये इमाम बारगाह आबाद रखे, ये बस्ती आबाद रखे, ये डेरे आबाद रहे, सुल्तान करबला की रहमत हो, जो आ गया है मालिक, जो मुश्किल है मुश्किल कुशा हल फरमाए। मजलिस इल्म का पैगाम है, बोलो। नबी का फरमान है, सलमान सारी कायनात एक वादी में जा रही हो और अली अकेला एक वादी में जा रहा हो, बड़ी तवज्जो, तो तुम अली के पीछे जाना, चूंकि अली का रास्ता सदाकत का रास्ता है। बोल पड़े यार जो बंदा जो रिज़्क़ की खैरात लेने आया है, परेशानी हल होती है, बीमारियां दूर होती हैं। फरमाया सारी कायनात एक वादी में जा रही हो और अली अकेला एक वादी में जा रहा हो, तो सलमान तुम अली के पीछे जाना, चूंकि अली का रास्ता सच्चाई का रास्ता, अली का रास्ता सदाकत का रास्ता। और यह भी झूठी बात है कि हम सिर्फ अली अली करते हैं, नबी नबी नहीं करते।
بھائی علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. بولے جی سمجھ آ رہی ہے؟ آخری جملہ اور ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. بولو علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں محمد جیسا. بولے یار جو بولو. علی نے فرمایا انا عبد عبید محمد, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں بہت جلدی سے ایک جملہ تمہیں سنا کے تو جملہ سنا کے میں جا رہا ہوں. علی نے فرمایا انا عبد عبید محمد, ترجمہ تمہارے بچوں کو یاد ہے, جہاں تک میری آواز جائے ملتان رضاری .com کے ذریعے پوری دنیا میں میرا پیغام جائے, اور سنو سمجھو, جہاں تک میری آواز جائے ہر موتی زانے جلال پور تک میری آواز پہنچے, سنو سمجھو. ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. آؤں تو محمد کی شان بتاتا ہوں. جس پر سورہ کا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. میں تمہیں محمد کی شان سناتا ہوں, ہر بندہ بول کے میری بات کی حمایت کرے. میرے عقیدہ کے مطابق علی نقطہ پائے بسم اللہ ہے. علی سوے بیتے رسول پہ سویا تھا. علی بدر کا فاتح ہے. علی یہود کا مالک ہے. علی خندق کا کل ایمان ہے. علی خیبر کا مرد میدان ہے. علی حنین کا فاتح ہے. علی فاتح بلعلم ہے. علی امام السالکین ہے. علی قاتل مشرکین ہے. علی یوسف الدین ہے. علی جنت کا سردار ہے. علی جبریل کا استاد ہے. علی داماد پیغمبر ہے. علی عرش کا ادر ہے. علی فرش کا مدر ہے. علی سورج بناتا ہے. علی چاند چمکاتا ہے. علی جنت کا سردار ہے. علی جبریل کا استاد ہے. علی داماد پیغمبر ہے. علی کعبے کا ظہر ہے. علی زہرا کا شوہر ہے. علی حاجت روا ہے. علی مشکل کشا ہے. علی حسن اول. علی تخلیق کے اول. علی گنتی کا پہلا عدد. علی غائب ممکنات. علی سورت دہر کا تاج. علی وارث قرآن. علی وارث انبیاء. علی حسن اول. علی تخلیق کے اول. علی حاجت روا. علی مشکل کشا. علی سبزہ اگائے. علی نظام چلائے. علی کائنات بنائے. علی کائنات کا مولا. علی راج تقسیم کرنے والا. علی جہنم اور جہنم اور جہنم کا تقسیم کرنے والا. علی کائنات کو مشکلوں سے نکالنے والا. علی قیامت برپا کرنے والا. علی آدم کی توبہ قبول کروائے. علی نوح کی کشتی کو جودی میں ٹھہرائے. علی ہر انبیاء کا مددگار ہے. لیکن موجودان جلال پر جس کی جوتی سیدہ صاف کرے اسے علی کہتے ہیں, اور جس کی جوتی علی